मोदी जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनको आगे भी ऐसी योजना निकालना चाहिए और मैं आइंदा उन्हीं का ही गुणगान करूँगा सर, क्योंकि मुझे तो पहली बार किसी ने फायदा करा तो वो है मोदी जी। कभी मैंने मोदी जी की तारीफ नहीं करी सर, आज तक नहीं करी, मैंने अपनी जिबान से नहीं करी सर, लेकिन आज पहली बार मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मोदी जी ने योजना निकाली। वाकई वो इंसान है सर, गरीबों का सोचते हैं, ये इतने हजारों लाखों गरीबों को फायदा मिल गया सर। मैं आभारी खुद तो आयुष्मान भारत योजना का हूँ कि उसके तहत ही मेरा इलाज हुआ, अगर वो नहीं होता तो मेरा इलाज भी नहीं होता सर। मेरे को कमर की स्पाइन में मेरे L4 L5 में तकलीफ थी, तो सर वहाँ पे गारंटी मिली थी, इस वजह से मैं अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया, जो मेरा ऑपरेशन भी सक्सेस ही हुआ सर। यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ हॉस्पिटल, यहाँ का डॉक्टर, खास करके हर्षल पटेल, इनके थ्रू मेरा इलाज हुआ, तो सर अब मैं संतुष्ट हूँ मेरे इस इलाज से, ताकि मैं चल पाऊँ। मानी सर मेरे को MP अगर मैं करा लेता हूँ, उससे मुझे सिर्फ 10% की जवाबदारी ली थी, 90% तो नहीं करा था मुझे, तो हो सकता है कि सर मैं चल भी नहीं पाता, और इन्होंने 100 ही सर मेरा ऑपरेशन हुआ है। इंदौर में मैंने बताया था तो उसमें से 3 लाख रुपये मांगे थे और सिर्फ 10% की जवाबदारी ली थी। आयुष्मान मेरा कार्ड चला भी यहाँ पे, जो मोदी जी की बड़ी मेहरबानी है, जो उनके योजना के तहत ये निकला। हॉस्पिटल की ही मेहरबानी है कि जो मेरा ऑपरेशन मतलब फ्री में हुआ, बिल्कुल ना खर्चे के बराबर हुआ सर। मैंने कभी लाइफ में ऐसा सिविल हॉस्पिटल कहीं भी नहीं देखा, इतना बड़ा भी नहीं देखा और इतना अच्छा मैनेजमेंट वाला भी नहीं देखा जितना मैनेजमेंट मैंने सिविल हॉस्पिटल वालों का देखा।